हेलो एवरीवन, मैं आशीष स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ए स्मिथ मेकर्स इंडिया पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिस ऑफ लॉगरिथम्स के बारे में। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिस किसी लॉगरिथम का कैसे फाइंड करते हैं, किस तरीके से जो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड किया जाता है लॉगरिथम का। तो देखते हैं इस वीडियो के अंदर इसको, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ऑब्टेन ऑब्टेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लॉगरिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाई यूजिंग देयर स्टैंडर्ड फॉर्म्स। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन इसका जो है एक्चुअली वो लिखा हुआ है कि 125.30, राइट। ये लिखा हुआ है 125.30। तो इसका जो है आपको स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट करना है। अगर तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म वो होगा, आपको यहाँ ध्यान देना इस नंबर में, आपका जो डेसिमल लगा है वो यहाँ लगा हुआ है, राइट। ये देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे लगा हुआ है। आपको जितना भी नंबर दिया जाएगा आपको डेसिमल फर्स्ट डिजिट के बाद जो है शिफ्ट करना होता है ना, फर्स्ट डिजिट के बाद जो है शिफ्ट करना होता है। अभी ये डेसिमल यहाँ लगा हुआ है तो यहाँ से आपको यहाँ पे जो है शिफ्ट कराना है। तो यहाँ से इस जगह से यहाँ तक शिफ्ट होने में दो डिजिट ये जो खिसकेगा, है ना। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, SF मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म, वो होगा इस तरीके से लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म को, जो कि आएगा यहाँ पे 1। अब चूंकि 1 पहला डिजिट 1 है, इसके बाद ही हमें डेसिमल लगाना है, तो ये आ जाएगा 1.2530 इंटू 10 टू द पावर। अब यहाँ 10 टू द पावर वो नंबर लिखना, एक्सपोनेंट वो लिखना होता है जितना डिजिट आपने जो है इसको खिसकाया हुआ है। यहाँ पे ध्यान देना है डिजिट आप जो है राइट साइड से लेफ्ट की तरफ खिसका रहे हैं ना, तो 2 डिजिट खिसका हुआ यहाँ पे, इसको लिए अपन लिखेंगे +2, ठीक है। तो ये आ गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। इसके बाद बात करेंगे करेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसका पावर है 10 टू द पावर 2, इसी को अपन बोलते हैं करेक्टरिस्टिक, है ना, इसको बोलते हैं करेक्टरिस्टिक फॉर्म, है ना। तो ये ऐसे ही अगला एग्जाम्पल अगर देखें, यहां से मान लीजिए कोई नंबर लिखा हुआ है 2.3125, है ना। तो ये नंबर लिखा हुआ है, इसका आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, क्योंकि आप क्या करते हैं डेसिमल को फर्स्ट डिजिट के बाद ही लगाते हैं, यहाँ ऑलरेडी लगा हुआ है, तो ऐसे ही रहेगा 2.3125 इंटू 10 टू द पावर 0। तो यहाँ पे इसका जो करेक्टरिस्टिक फॉर्म होगा, करेक्टरिस्टिक फॉर्म वो क्या होगा, आप देख सकते हैं 10 की पावर क्या है यहाँ पे 0, एक्सपोनेंट है 0, तो इसका करेक्टरिस्टिक फॉर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। अगले एग्जाम्पल एक और देखते हैं, मान लीजिए कोई नंबर मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 2341.60, राइट। तो यहाँ पे डेसिमल आप देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। अब हमें इस डेसिमल को जो है फर्स्ट डिजिट के बाद जो है शिफ्ट कराना होता है ना, यहाँ लगाना होता है। तो इसको हम जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो हमें फर्स्ट डिजिट के बाद जो डेसिमल लगाना है। अब आप देख सकते हैं ये डेसिमल अभी यहाँ पे लगा हुआ है, यहां से यहां शिफ्ट होने के लिए, यहां शिफ्ट होने के लिए इसे 3 डिजिट जो है खिसकाना पड़ेगा, और वो भी लेफ्ट साइड में, है ना, ये अभी इस साइड खिसकेगा। तो ये 2 के बाद जैसे डेसिमल लगाएंगे तो हो जाएगा 2.34160 इंटू, अब आपने 3 डिजिट इसको खिसकाया हुआ, इसलिए 10 टू द पावर अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे 3 लिखेंगे। तो ये आपका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, और इसका जो करेक्टरिस्टिक फॉर्म होगा वो केवल ये होगा, एक्सपोनेंट इसमें क्या है 10 का 3, तो इसका करेक्टरिस्टिक फॉर्म हो जाएगा 3। तो इस तरीके से इसलिए से आप जो है करेक्टरिस्टिक फॉर्म फाइंड कर सकते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे और कराऊंगा इस तरीके के, उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे मेंटिस ऑफ लॉगरिथम के बारे में, ठीक है। अगला एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं जिसमें आपको जो है करेक्टरिस्टिक फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड करना है। तो अगला एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 42619.30, है ना। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा उसको कैसे लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अभी आप देख सकते हैं ये डेसिमल जो है यहाँ पे लगा हुआ है 30 के पहले, राइट। अब आपको लगाना कहाँ है ये डेसिमल, 4 के जस्ट बाद में, है ना, क्योंकि एक डिजिट के फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल लगाते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। तो जैसे ही आप फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल लगाओगे तो डेफिनेटली ये डेसिमल यहां से हट जाएगा और फर्स्ट डिजिट के बाद लगेगा, राइट। और यहां से हटने के बाद जब ये यहां लगेगा तो ये कितना अंक शिफ्ट होगा, आप देख सकते हैं ये 4 अंक शिफ्ट होगा, 2619, 4 अंक शिफ्ट होगा, है ना। तो उसमें अपन क्या करेंगे, 4.3
261930, यानी लास्ट की जो डिजिट्स है वो सेम रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। इनटू अब लिखेंगे 10 टू द पावर, 10 टू द पावर वो एक्सपोनेंट आएगा जितना डिजिट ये खिसका हुआ है, तो ये चार डिजिट खिसकाया गया है लेफ्ट साइड में, 10 टू द पावर आ जाएगा 4। अब बात करते हैं इसका जो है करेक्टरिस्टिक क्या होगा, करेक्टरिस्टिक इसका जो होगा 10 का जो एक्सपोनेंट है ना, तो वो हो जाएगा आपका 4। एक एग्जांपल और लेते हैं, यहां तो सब जगह पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं, आप देख सकते हैं एक्सपोनेंट में। एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं आपका 0.00123। इस टाइप का अगर नंबर आ जाए तो जो है आपको पता है कि डेसिमल को जो है फर्स्ट मतलब नंबर कैसा होना चाहिए, 1 < x = 9, इस टाइप से शिफ्ट करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि 0 के बाद ही डेसिमल लगा देंगे, ऐसा नहीं कर सकते, राइट। तो आपको क्या करना है, 1 और < 9, इंक्लूडिंग 1 और < 9, मतलब या 1 या 1 से बड़ा और 9 से छोटा, ऐसे डिजिट्स के बाद जो है अपन डेसिमल को जो है लगाते हैं, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं डेसिमल आपका यहाँ पे लगाया गया है। अब आपको शिफ्ट करना है डिजिट, डिजिट आपका क्या है 1, 1 के बाद जो शिफ्ट होगा, तो यहां तक शिफ्ट होने में कितना अंक खिसकेगा, ये कितना शिफ्ट होगा, 3 डिजिट शिफ्ट होगा, है ना। तो अब आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा इसका वो कुछ इस तरीके से होगा 1.1.23 into, अब ये पहले डिजिट के बाद आपने डेसिमल लगा दिया, बाकी नंबर्स कौन सा बचा, 2, 3, उसको एज़ इट इज़ लिख दिया। अब ये जो है डेसिमल आपका यहाँ से राइट साइड शिफ्ट हुआ है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हुआ है। जब कोई डेसिमल लेफ्ट टू राइट शिफ्ट होता है तो 10 टू द पावर जो आता है 3 डिजिट किसका हुआ है, तो ये -3 आता है ना। अभी ऊपर जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वहां पर डेसिमल जो है राइट टू लेफ्ट शिफ्ट हो रहा था, पर इस क्वेश्चन में क्या किया है, लेफ्ट टू यहां से जो है राइट साइड शिफ्ट हो रहा है, कितना डेसिमल, 3 डेसिमल। तो यहाँ पे आप 3 डिजिट्स पर शिफ्ट हो रहा है, तो आ जाएगा 1.23 × 10⁻³। तो यहाँ पे जो करेक्टरिस्टिक होगा आपका, करेक्टरिस्टिक फॉर्म वो होगा -3, तो इसका करेक्टरिस्टिक हो जाएगा -3। तो इस टाइप से जो है ऐसे क्वेश्चंस को जो है सॉल्व किया जाता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो चलिए आगे मेंटिसा के बारे में बात करेंगे। इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ जो आपके लिए होमवर्क है, आप कमेंट सेक्शन में उसको आंसर जरूर लिखिएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है कि फाइंड करेक्टरिस्टिक एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गिवन 3 क्वेश्चंस, राइट। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस का आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन में करना है, जिससे कि आप मुझे लगेगा आप लोग इसको समझ पा रहे हैं कॉन्सेप्ट को, और अगर इस कॉन्सेप्ट को समझने में कोई डाउट भी हो तब मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं वहाँ पे आपका जो है आंसर लिखने की कोशिश करूंगा। चलिए अगला इसका नेक्स्ट टॉपिक जो मैंटिसा है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे करेक्टरिस्टिक एंड स्टैंडर्ड फॉर्म मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा किसी नंबर से कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। एक क्वेश्चन यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स का और करा रहा हूँ जो अक्सर अगर बच्चों कंफ्यूज करता है कि मान लीजिए अगर कोई नंबर इस फॉर्म में लिखा है 2, 1, 4, 6, 9, अब बच्चे कहते हैं सर इसका जो है करेक्टरिस्टिक फॉर्म क्या होगा, करेक्टरिस्टिक फॉर्म क्या होगा, राइट। तो इसका करेक्टरिस्टिक फॉर्म जब भी आप फाइंड करेंगे तो याद रखना ये नंबर में कहीं आपको डेसिमल नहीं दिख रहा है, इसका मतलब डेसिमल हमेशा नंबर के बाद में होता है, राइट। तो जब भी डेसिमल अगर इस तरीके से आपको शो नहीं हो रहा है, नंबर सीधा लिखा हुआ है 2, 1, 4, 6, 9, तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि डेसिमल आफ्टर नंबर यहाँ पे लगा हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, इस डेसिमल को यहां शिफ्ट कराना है, राइट, मतलब फर्स्ट डिजिट के बाद में शिफ्ट करना है। तो ये डेसिमल जो है लेफ्ट साइड में शिफ्ट होने के लिए कितना डिजिट खिसकेगा, 1, 2, 3, 4 डिजिट खिसकेगा। तो इसका जो है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस तरीके से होगा 2.1469 × 10⁴। और इसका जो है आपका करेक्टरिस्टिक होगा, इसका जो करेक्टरिस्टिक होगा वो इसका एक्सपोनेंट यानी कि 4, ये आपका हो जाएगा करेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कराना जरूरी था क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको पूछते थे कि सर आफ्टर डेसिमल मतलब डेसिमल लगा ही नहीं है तो फिर उसको शिफ्ट कैसे करना होता है, राइट। तो इस तरीके से जो है इसको शिफ्ट करना होता है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको। तो अगला पार्ट यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले वो मेंटिसा के लिए है ना। तो जब भी अपन बात करते हैं मेंटिसा है ना, इसमें थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है कि मान लीजिए ये स्पेशली यूज होता है लॉगरिथम टेबल को यूज करने के लिए है ना। जब लॉगरिथम टेबल की बात करते हैं जो आपका दिया होता है वहां जो नंबर्स होते हैं, आपने अगर लॉगरिथम टेबल चेक किया होगा तो 10 से नंबर शुरू होते हैं, ठीक है, 10 से लेके आपका 99 तक लॉगरिथम टेबल होता है टोटल। तो यहां जो है अलग अलग जो है आपका
कॉलम और डिफरेंस होते हैं, तो कॉलम जो होते हैं आपके वो, तो कॉलम जो होते हैं वो जीरो से लेके नाइन तक, जीरो वन टू थ्री यहां से लेके नाइन तक होते हैं। उसके बाद एक टेबल होता है, उसको बोलते हैं डिफरेंस टेबल, मीन डिफरेंस टेबल, है ना। वो आपका होता है वन टू थ्री फोर ऐसे करके जो है नाइन तक होता है, राइट। तो यहाँ पे ध्यान देना होता है, लॉगरिथम टेबल जब भी आप देखते हो वो 10 से शुरू होता है, 10 से लेकर 99 तक। और ये यहाँ पे जो है लॉगरिथम की जो 0 से लेकर 9 तक जो होता है इसको अपन कॉलम बोलते हैं, और उसके बाद मीन डिफरेंस होता है 1 से लेकर 9 तक, है ना। तो मान लीजिए आपको कोई वैल्यू दिया है, 22 दिया हुआ है ना, 22, तो आप क्या करते हैं 22 का मान लीजिए फर्स्ट कॉलम देखना है, अगर कोई नंबर इस टाइप से लिखा है 2114, है ना, 2214, राइट। तो आप क्या करेंगे 22 का, आप 2 का नहीं देख सकते क्योंकि लॉगरिथम टेबल आपका 10 से स्टार्ट होता है, तो 22 का फर्स्ट कॉलम एंड फोर्थ डिफरेंस देखते हैं। तो 22 का फर्स्ट कॉलम आपका क्या होगा, यहाँ पे जो वैल्यू आ रही होगी वो आपका फर्स्ट कॉलम होगा, और आपका फोर्थ डिफरेंस मतलब 1, 2, 3 एंड ये फोर्थ डिफरेंस जो भी आ रहा होगा आप क्या करेंगे इन दोनों को ऐड करेंगे, है ना। ऐड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको आप पुट करेंगे, उसके बाद आप देख सकते हैं आपका वैल्यू यहाँ पर 2214 है, इसका मतलब डेसिमल अभी यहाँ लगा हुआ है, इसको आप जो है यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये डेसिमल जो है लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा 3 पॉइंट। तो जो भी आपका नंबर आएगा यहाँ पे उसमें आप जब डेसिमल लगाएंगे वो 3 पॉइंट समथिंग लिखा जाएगा, राइट। तो आपका 3 डिजिट किसका हुआ इसलिए 3 पॉइंट। अब जो भी यहाँ पे वैल्यूज को ये वाला जो है 22 का फर्स्ट कॉलम और फोर्थ डिफरेंस को ऐड करने में जो भी वैल्यू आ रही होगी उसको अपन जो है यहाँ पुट आउट करेंगे, राइट। तो मेंटिसा का बेसिकली यूज ये है कि लॉगरिथम टेबल को आखिर चेक कैसे करते हैं, ऐसे कुछ मैं आपको वैल्यूज बताऊंगा कि उस टाइप की अगर वैल्यूज आपको दी होती है तो उसको लॉगरिथम टेबल में आप कैसे चेक करेंगे, राइट। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। तो पहला मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि मान लीजिए आपके पास वैल्यू दिया है 3.124। अब आपको ये वैल्यू लॉगरिथम टेबल में देखना है, किसमें देखना है, लॉगरिथम टेबल में। तो लॉगरिथम टेबल में मैंने आपको बता चुका हूँ कि 10 से शुरू होती है, 10, 11, 12 इस टाइप से चलती जाती है और 99 तक रहता है ना। यहाँ पे फिर कॉलम होते हैं, कॉलम होता है आपका 0, 1, 2 से लेके 9 तक। इसके बाद डिफरेंस होता है, इसको मीन डिफरेंस बोलते हैं, वो स्टार्ट होते हैं 1, 2, 3 टू 9 तक, है ना। तो ये इस टाइप से कुछ टेबल्स होती हैं, इस टाइप से आपने देख रखा होगा अगर आपने लॉगरिथम टेबल देखी होगी तो, और नहीं देखी हो तो आप गूगल कर सकते हैं, गूगल से भी आपको लॉगरिथम टेबल इजीली जो है एक्सेस मिल जाएगा, है ना। तो इस टाइप से टेबल बनी होती है, है ना। वहां आपको ये ध्यान रखना होता है कि जैसे नंबर लिखा है 3.124, अब लॉगरिथम टेबल चूंकि आपका 10 से स्टार्ट होता है तो 3 में अपन नहीं देख सकते इसको, राइट। अपन इसलिए जब भी मेंटिसा का यूज करते हैं तो अपन क्या करते हैं, इस टाइप का नंबर जो है सिग्निफिकेंट डिजिट का यूज करते हैं, क्या सिग्निफिकेंट डिजिट, वो यहाँ पे है 3, 1, 2, 4। तो अपन क्या करते हैं 3 को देख नहीं सकते क्योंकि लॉगरिथम टेबल आपका 10 से स्टार्ट होता है, इसलिए अपन क्या करते हैं 31 को देखते हैं। तो 31 मान लीजिए यहाँ पे कहीं लाई कर रहा होगा, तो 31 का आपको क्या करना है, सेकेंड कॉलम और फोर्थ डिफरेंस देखना होता है। सेकेंड कॉलम मतलब ये कहीं यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा, ये देख सकते हैं आप, सेकेंड कॉलम इसको बोलते हैं, और थर्ड डिफरेंस जो होगा वो यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा, है ना। अब क्या करते हैं, ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है इन दोनों को एड ऑन करते हैं। एड ऑन करने के बाद मान लीजिए कोई वैल्यू अगर आ रही है तो उसको लिखते हैं। अब आपका डेसिमल जो है राइट प्लेस पर लगा हुआ है, क्योंकि डेसिमल कहीं भी लगा उसको अपन शिफ्ट करके इसी प्लेस पर लेके आते हैं, यहाँ ये ऑलरेडी लगा हुआ है, राइट। तो डेसिमल आपका एक भी प्लेस इधर उधर फिक्स नहीं हुआ है, इसका मतलब जो भी नंबर यहाँ पे ऐड होके आया हुआ है उसमें केवल लिख देंगे 0 पॉइंट, वो नंबर जो यहाँ पे ऐड होके आया हुआ है, राइट। तो इस टाइप से जो है अपन मेंटिसा का यूज करते हैं। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेते हैं, मान लीजिए मैंने लिखा दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ 25.1, ठीक है। अब 25.1 में क्या करना पड़ेगा आपको, आप 2 का लॉगरिथम टेबल में वैल्यू चेक नहीं कर सकते, इसलिए आपको क्या लेना पड़ेगा 25। अब मान लीजिए 25 कहीं यहाँ लाई कर रहा है ना, तो 25 का आपको केवल देखना है फर्स्ट कॉलम, राइट। केवल क्या देखना है, फर्स्ट कॉलम। अब 0 तो डिफरेंस देखोगे तो 0 डिफरेंस यहाँ पे अवेलेबल नहीं, क्योंकि डिफरेंस 1 से स्टार्ट होता है 1 से लेकर 9 तक। तो आपको क्या करना है, 25 का केवल फर्स्ट कॉलम देखना है, तो 25 का आपका फर्स्ट कॉलम यहाँ पे जो वैल्यू आ रही होगी उसको सीधा सीधा यहाँ पे लिखना है डायरेक्ट, जो भी वैल्यू आ रही हो। अब आपका लिखा है 25.1, आप इसको देखेंगे 25.1, तो डेसिमल यहां लगा, उसको शिफ्ट आपको कहां करना है, एक डिजिट के बाद। तो यहां पे ये लेफ्ट साइड में एक डिजिट खिसकेगा, तो जो भी यहां आपका 25 का फर्स्ट कॉलम में जो वैल्यू आ रही होगी उसके आपके आगे लिखना होगा 1 पॉइंट, क्योंकि ये एक डिजिट खिसका हुआ है लेफ्ट साइड में, इसलिए यहां पर 1 पॉइंट लिखते हैं, राइट। ऐसे ही अगर मान लीजिए कोई नंबर अगर ऐसे लिखा हो 0.001, है ना, 0.001। अब आप उसको लॉगरिथम में कैसे देखेंगे भाई, क्योंकि 0.00 तो लॉगरिथम होता ही नहीं है,
है ना, 0.1 भी नहीं होता है या 0.001 भी नहीं होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 पर ध्यान देना पड़ेगा। अब 1 भी नहीं होता है, इसका मतलब आपको 10 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? 10। तो 10 का आपको 0th डिफरेंस देखना पड़ेगा, 0th डिफरेंस यहाँ पे होता है। तो 10 वैल्यू ये है, इसका 0th डिफरेंस जो भी होगा उसको अपन सीधा यहाँ पे ऐसे लिख देंगे आफ्टर डेसिमल। अब चूंकि ये डेसिमल के बाद जो है पॉइंट आपका यहाँ फिक्स होगा 1 के बाद, तो 3 डिजिट राइट साइड में फिसकेगा, तो इसको अपन लिखेंगे 3 to the power 12 लगा के, 3 बार पॉइंट, वो नंबर जो आपका 10 का 0 कॉलम देखने के बाद आया हुआ है, राइट। तो ये बार कई बार डिनोट करता है ना, बार का मतलब होता है -3, है ना, वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से जो है अपन मेंटिसा का यूज करते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा मेंटिसा का। अगर फिर भी कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।